अगर आप हार्ट के मरीज हो तो आप चार रिपोर्ट से ऑलवेज गुजरे होंगे, ईसीजी, इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी। अगर इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आता है तो डॉक्टर तुरंत ही दो एडवाइस देते, एक तो स्टैंड डालना और बाईपास करना। तो ऐसे ही हमारे एक पेशेंट थे महेश जी, 56 साल की उम्र थे, सूरत के रहवासी है, एंजियोग्राफी किया, दो ब्लॉकेज 50 और 90 और हार्ट का पावर आ गया 25। तो उनके लड़के ने बोला कि सर 25 आया तो आपने बोला एंजियोग्राफी करो, एंजियोग्राफी के बाद आपने बोला स्टैंड डालो, तो हम स्टैंड डालने के लिए तैयार है पर हमारा हार्ट का पावर बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने बोला नहीं, क्योंकि वो एरिया डेथ हो चुका है, अभी जो हिस्सा डेथ है उसमें आप वापिस ब्लड चालू करो तो उस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो उन्होंने मना किया कि हमें तो फिर स्टैंड नहीं डालना है, तो हमारे पास वो आए, 35 दिन इलाज चालू करवाया और हमारा काम ही है कि लो पावर को इम्प्रूव करें। सो 35 दिनों के बाद आज उसका सेकेंड इको किया, जो 25 था दैट इंक्रीज टू 40%। ये बताता है कि ब्लॉकेज के अराउंड भी कुछ हार्ट के मसल्स के एरिया है, अगर आप उधर वापस ब्लड चालू करो तो आपके हार्ट का पावर इम्प्रूव होता है। सो चूज ईसीपी अगर आपको भी ब्लॉकेज है और आपके हार्ट का पावर कम है। थैंक यू सो मच।